भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। होप्स आई एम विजिबल टू एवरीवन। नमस्कार भाई सभी को, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जल्दी से एक बारी सेशन को शेयर करेगा, सेशन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और एक बारी एक चीज कमेंट करेगा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। नमस्कार सभी को भाई, जल्दी से बताइएगा मेरी आवाज आ रही है सभी को? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ठीक है, जल्दी से एक बारी कमेंट करें। सेशन मजेदार है और याद रखिएगा, मैं आपकी कंसिस्टेंसी कम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं चाहता हूँ कंटिन्यूटी रहे। तो लाइव टेस्ट जो हमारा 9:30 बजे होता है, ठीक है, जो हमारा 9:30 बजे वाला लाइव टेस्ट होता है वो आज भी होगा। ठीक है, दिमाग करके, वो आज भी होगा। आज की टाइमिंग भी वही है 9:30 बजे। और आज थोड़ा और इंपॉर्टेंट लाइव टेस्ट होगा क्योंकि मैं इसमें 120 क्वेश्चन उठाने वाला हूँ आज, नए क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का लाइव टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। जो 9:30 बजे एज यूजुअल लाइव टेस्ट होता है जीके चैंपियंस, वो लाइव टेस्ट आज होगा 9:30 बजे। तो जरूर देखिएगा 9:30 बजे का लाइव टेस्ट और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अभी 9:30 बजे भी लाइव टेस्ट करेंगे। और कुछ बदलाव आप सभी के लिए, अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस में कुछ बदलाव लाएंगे। ठीक है, देख लो। पहला बदलाव यह है कि 9:00 बजे अब मैं आप सभी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं। फ्री क्लास है भाई ये, ठीक है, फ्री डेली लाइव क्लास है। 10,000 क्वेश्चन टारगेट करेंगे 9:00 बजे। ठीक है, दिमाग रखिएगा। आपको बस इसके लिए मेरा प्रोफाइल फॉलो करना है। बस 30 दिन का फ्री क्रैश कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, मेरे प्रोफाइल को फॉलो करने का। और इससे भी बेस्ट चीज एक और आप सभी के लिए लेके आया हूं, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, दिमाग में रखिएगा। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम ना इस क्लास के बाद ना एक कॉम्पिटिशन टेस्ट करने वाले हैं आपसे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। डेली क्विज वॉर होने वाली है हर क्लास के बाद। जैसे ये मैं अभी क्लास लूंगा ना, इसके जस्ट खत्म होते ही आपको एक कोड मिलेगा, एक कोड मिलेगा, उस कोड को यूज करना है और अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट देना है ये डेली क्विज वॉर। तो इस क्लास के बाद आज ही ट्रायल ले लेंगे इसका। ठीक है, दिमाग रखे, आज ही इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दिमाग रखे, कोड मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। प्रोफाइल फॉलो करिएगा, मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, गोल सिलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना है, मंथ को सिलेक्ट करना है, रेफर कोड लगाना है लाइव अमन। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड लगाना है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, लाइव अमन रेफर कोड लगाना है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए जल्दी से बताओ, आप क्वेश्चन का आंसर शेयर कर दो और 9:30 बजे जुड़ जाना। आज का लाइव टेस्ट धमाकेदार होगा, मजा आ जाएगा। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। जल्दी से बताइए कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या इसका। देखा, जब प्रोटीन की बात करता हूं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम मेरे दिमाग में आता है। ठीक है, क्योंकि भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ही के कंसेप्ट है ना। ठीक है, चलिए चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर, मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड और बेस इन वाटर। पानी में मैं या तो एसिड या तो बेस अगर कंसंट्रेटेड मिलाता हूं तो क्या होगा उससे, जल्दी से बताइएगा। उससे क्या होगा, कमेंट करेगा, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जल्दी से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेशन को शेयर कर दो यार एक बारी। आंसर क्या है इसका, इससे क्या होगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है प्यारे। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, ए इसका आंसर है। बस हीट प्रोड्यूस होने का कांसेप्ट इसमें लगता है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ भाई, मोटर कार में ग्लेयर्स को एलिमिनेट करने के लिए एक ही दम से जो गाड़ियां होती है उसमें से जो एकदम लाइट आती है आंखों में बढ़ते ना, उसको कम करना है तो हम क्या यूज करें, करते भी हम उसी चीज को हैं, जल्दी से बताइए क्या यूज करते हैं। भाई याद रखना, इस क्लास के बाद एक क्विज़वार होगा, सभी के लिए फ्री है, जरूर देना है। और उसके बाद आज 9:30 बजे का लाइव टेस्ट देना जरूर। ठीक है, आज के लाइव टेस्ट में आपको रियलिटी पता चलेगी कि आप मतलब कहां पे स्टे करते हो और आपको अगले हफ्ते और अगले 2 हफ्ते में कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, दिमाग रखिएगा। मोटर कार के लिए हम पोलराइड्स यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन क्या है बच्चे, कमेंट करिएगा इंसुलिन क्या होता है, कमेंट करिएगा व्हाट इज इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है, जल्दी से बताएं इंसुलिन क्या होता है। देखो, इन सभी में से एक तो प्रोटीन दे रखा है, एक तो स्टेरॉइड दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट और फैट तो होगा नहीं। ठीक है, प्रोटीन और स्टेरॉइड्स में से क्या है इंसुलिन, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आंसर क्या है प्यारे इस क्वेश्चन का, आंसर क्या है इसका, प्रोटीन इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन हेल्प इन द सेल डिविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिन, जल्दी से बताइएगा। मैंने आपको बता रखा है कि जो
ऑक्सिन और साइटोकिनिन होते हैं ना, ऑक्सिन और साइटोकिनिन होते हैं, वो किसका काम करते हैं, जय और वीरू वाला कंसेप्ट है इन दोनों का। कौन सा कंसेप्ट है? जय और वीरू वाला कंसेप्ट। अब यहां पे बोल रहा है कि ये किसकी, ऑक्सिन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो अब भैया ऑक्सिन के डेवलपमेंट में कौन हेल्प करेगा यार? बिल्कुल सिंपल सी बात है, साइटोकिनिन। और ये भी याद रखिएगा, साइटोकिनिन ना डिवीजन के काम करता है, जैसे सेल डिवीजन हो गया, ठीक है, जैसे सेल डिवीजन हो गया, तोड़ने का काम करता है साइटोकिनिन, ठीक है। जब तक चीज टूटेगी नहीं तब तक बड़ी नहीं होती, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, तब तक चीज बड़ी नहीं होती। एक अच्छा काम है साइटोकिनिन का ये, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भाई सेशन को शेयर करना, और इधर अगर सीख रहे हो तो आज जो लाइव टेस्ट होगा 9:30 बजे, उसके लिए बस सीधा आप क्या करेगा, अभी आज रात को 9:30 बजे सर्च करेगा जीके विद अमन सर और लाइव टेस्ट में आ जाना, ठीक है, अमन सर सर्च करेगा लाइव टेस्ट में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है, साइटोलॉजी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, डेट सब्सटेंस प्रेजेंट इन फ्लोएम इज, जल्दी से बताएगा, डेट सब्सटेंस जो फ्लोएम में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फ्लोएम में प्रेजेंट जो डेट सब्सटेंस है उसे क्या कहा जाता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। यार थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, मैं क्लास को कनेक्ट कर देता हूं फोन से, जल्दी से कनेक्ट कर दूंगा मैं फोन से अभी, बस कंटिन्यूटी बनाए रखो, फोन से कनेक्ट कर रहा हूं मैं इसे। चलिए उम्मीद है कि अब कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, हो गया कनेक्ट, जल्दी से आ जाओ। आंसर क्या है, डेड सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है फ्लोएम में उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम फाइबर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम फाइबर कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, फ्लोएम फाइबर कहा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, लो ग्रेविटेशन अप्लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, लो ग्रेविटेशन किस पे अप्लाई होता है, कमेंट करिएगा, लो ऑफ ग्रेविटेशन किस पे अप्लाई होता है, जल्दी से बताएं। देखा, जब मैं लो ग्रेविटेशन की बात करता हूं ना, वो दो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी दो बॉडी हो सकती है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखा करो भाई, ठीक है, क्लास में आया तो चाहे थोड़ी सी बफरिंग होती है उसकी कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेन ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, कौन सा इसमें से ऑर्गेन है, जैसे मैं आपको सीधा बताता हूं, स्टमक पाइलोरिस से होता हुआ किसमें जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, स्टमक इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से बताएगा, जो अर्थ की जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो मैक्सिमम कहां पे होगी, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे होगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे होगी, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है इसका, पोल्स पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, ये पोल और ये इक्वेटर, इन दोनों में क्वेश्चन आता है कि इक्वेटर और पोल की, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, व्हाइट फॉस्फोरस को हम किसके अंदर रखते हैं, जल्दी से बताएगा, व्हाइट फॉस्फोरस को हम किसके अंदर रखते हैं, कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस को किसके अंदर रखा जाता है, जल्दी से कमेंट करें। और यार शेयर करना सेशन को एक बारी, जितने भी अच्छे देख रहे हैं, आंसर क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस को किसके अंदर रखा जाता है, कोल्ड वाटर के अंदर, बहुत रिएक्टिव होता है व्हाइट फॉस्फोरस, इसलिए इसे किसके अंदर रखा जाता है, कोल्ड वाटर के अंदर रखा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, वुमेन की श्रिल वॉइस होती है, वुमेन की जो श्रिल वॉइस होती है उसका कारण क्या बच्चे, जल्दी से बताएं उसका कारण क्या है, जल्दी से बताएंगे इसका कारण क्या है, ठीक है, क्या है इसका कारण, आंसर क्या है बच्चे, देखा इजी है, हमेशा याद रखना वुमेन्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो होती है हाई, ठीक है, दिमाग रखिएगा हाई, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या, हाई फ्रीक्वेंसी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, यूनिवर्सल, अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं क्या इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, इजी है, आंसर क्या है, m माइनस 1 l की पावर 3 t माइनस 2, ये इसका डायमेंशन है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बैट इज व्हाट,
चमगादड़ क्या होता है? मैमल होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। और भाई याद रखना, जब आप इधर सीख लो ना, मिस मत करना। वैसे तो मैं मंडे से फ्राइडे कराता हूँ लाइव टेस्ट, लेकिन मैंने आपकी कंटिन्यूटी खत्म ना हो इसलिए आज भी लाइव टेस्ट रखा है 9:30 बजे, ठीक है। तो मैंने आज भी वही लाइव टेस्ट रखा और ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं, आज 100 क्वेश्चन रखे हैं एग्जैक्टली। जीके विद अमन सर सर्च करना 9:30 बजे आज लाइव टेस्ट में, ना टाइम पे पहुंचना सारे के सारे, ठीक है। तुम्हारे लिए रखा है लाइव टेस्ट, कंटिन्यूटी बनाए रखना उसमें। ये क्या है, अ पर्सन अगर रेजिस्ट करता है एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन द बॉडी सेल, वो कौन सी डायबिटीज से, ठीक है, इंपैक्टेड है? तो भैया वो टाइप 2 डायबिटीज से इंपैक्टेड है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज से। एक और क्वेश्चन देखिएगा, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट, किसकी वजह से? जैसे एक प्रिज्म है, उसमें से एक लाइट जो है वो स्प्लिट हो रही है और विबग्योर में कन्वर्ट हो रही है। तो पूछा गया कौन सी प्रोसेस की वजह से ये कन्वर्जन होता है, कमेंट करिएगा। पूछा गया कौन सी प्रोसेस की वजह से ये कन्वर्जन होता है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या बच्चे, डिस्पर्जन प्रोसेस की वजह से। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर, हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, जल्दी से बताएं हाइड्रोजन बम किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम इन्वेंट किया गया था। इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इस क्वेश्चन का आंसर देखियो, बताओ। ठीक है, मैं दो चीजें बता चुका हूं, एक वर्ड यूज होता है मोटर, ठीक है, एक वर्ड यूज होता है मोटर, ठीक है, और एक वर्ड यूज होता है कंक्रीट। दोनों में फर्क है, मोटर वो होता है जो हम वॉल पे पलस्तर करते हैं ना, दैट इज मोटर। लेकिन कंक्रीट जो हम अपना ऊपर अगर फ्लोर डाल रहे हैं तो उसमें लेंटर डलता है ना, उसे हम कहते हैं, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो, यार कंक्रीट है तो उसमें सब कुछ होगा, सीमेंट, सैंड, ग्रेवल और वाटर, तीनों चारों की चारों चीजें होंगी, ठीक है। क्या क्या? सीमेंट, सैंड, मतलब इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, क्वेश्चन इस पे से आता है, डिफरेंस पता होना चाहिए आप सभी को, ठीक है, दिमाग रखिए, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लीजिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, अल्ट्रासोनिक वेव किससे डिटेक्ट होती है, कमेंट करिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव किससे डिटेक्ट होती है, शेयर करिएगा सेशन को, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। मैं बता रहा हूं एक चीज और, कल मैं 2 घंटे का 8 बजे सेशन लेके आऊंगा, स्पेशल जीके मैराथन होगी, फुल फ्लेज मैराथन है वो, पूरी की पूरी 2 घंटे की, कल रात को 8 बजे आपको, कल रात को 8 बजे जीके विद अमन सर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको फुल फ्लेज मैराथन मिलने वाली है, ठीक है, कल रात को 2 घंटे की मैराथन। आंसर क्या है? कुंडल ट्यूब इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव नॉन ल्यूमिनस फ्लेम ऑन बर्निंग, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको अगर मैं जलाऊंगा तो वो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम देगा, जल्दी से बताएगा कौन से कंपाउंड को जलाने से नॉन ल्यूमिनस, मतलब उसमें चमक नहीं होती, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किसमें नॉन ल्यूमिनस फ्लेम किसमें से उत्पन्न होगी, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या? स्पिरिट इसका आंसर है। आंसर क्या? स्पिरिट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एपिकल्चर एक साइंटिफिक मेथड है, बिल्कुल सही, किसकी प्रोडक्शन के लिए, किसके उत्पादन के लिए हम ये जो एपिकल्चर का ये जो साइंटिफिक मेथड है इसको यूज करते हैं, जल्दी से कमेंट करेगा किसके प्रोडक्शन के लिए, जल्दी से बताएं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लिटरली आई एम वेटिंग फॉर लाइव टेस्ट, आपका जो आज का लाइव टेस्ट होगा ना उसमें आएगा मजा, मतलब धमाका कर देंगे एकदम, इतनी स्पीड में करेंगे, पूरे YouTube पे कोई ना करता हो इतनी स्पीड में जितनी स्पीड में हम लाइव टेस्ट को करेंगे। आंसर क्या है इसका? शायद इसका आंसर है, ठीक है, ड्राई पाउडर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना उसके ड्राई पाउडर में क्या क्या होता है, जल्दी से बताएगा, फायर एक्सटिंग्विशर के ड्राई पाउडर में क्या क्या होता है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं, फायर एक्सटिंग्विशर का जो ड्राई पाउडर होता है उसमें क्या क्या होता है, किसका बनता है, क्या कॉम्बिनेशन है जिससे ये बनता है, कमेंट करिएगा क्या है कॉम्बिनेशन जिससे ये बनता है। क्वेश्चन 22 का आंसर बताएं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर? इजी क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है, जहां पे मैंने लाइन लगाती है ना यही आंसर है वैसे तो, सैंड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सैंड और सोडियम बाइकार्बोनेट का बनता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सैंड और सोडियम बाइकार्बोनेट का बनता है। इजी है लेकिन भाई दिमाग में रखना, जो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग रखिए, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ भाई, डायमेंशन किसकी जो है इंपल्स के बराबर होती है, जल्दी से बताइए किसकी डायमेंशन इंपल्स के बराबर होती है, कमेंट करिएगा किसकी डायमेंशन इंपल्स के बराबर होती है, और शेयर कर दो सेशन को सारे के सारे। आंसर क्या बच्चे? मोमेंटम की डायमेंशन किसके बराबर होती है? इंपल्स के बराबर होती है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ भाई ये अच्छा क्वेश्चन है,
अल्ट्रासाउंड जो डायग्नोसिस जो हम करते हैं इसको किसने स्टार्ट किया, मतलब बताएं अल्ट्रासाउंड जो है इसका डायग्नोसिस कंसेप्ट जो है किसके द्वारा दिया गया। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जल्दी से बताएगा अल्ट्रासाउंड का डायग्नोस्टिक कंसेप्ट जो है किसके द्वारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक है, सरल सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या बच्चे, दिमाग रखिएगा, लैंड डोलेंड इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, लैंड डोलेंड इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नोबल गैस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडून को यूज करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। मदर मिल्क जो माँ का दूध जो होता है ना, एक शिशु के लिए, जो एक बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसके लिए मदर्स मिल्क बेस्ट होता है। सवाल पूछा जा रहा है कि वो काओ मिल्क से ज्यादा बेटर क्यों होता है, किस लिए प्रेफर किया जाता है काओ मिल्क की जगह मदर्स मिल्क। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, वाई इट इज प्रेफर्ड, जल्दी से बताएं किस लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, बच्चे के लिए क्या चीज जरूरी है कि उसे फैट कम मिले और उसको लिपिड कम मिले, फैट नहीं होना चाहिए उसमें ज्यादा, तो भाई इसी वजह से आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग रखे, इसी वजह से क्या आंसर है इसका, बी इसका आंसर है, लेस फैट लेस लिपिड इसका आंसर। ठीक है, दिमाग रखे, लेस फैट लेस लिपिड इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर किसके द्वारा, शेयर करेगा यार सेशन को सारे के सारे, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं शेयर तो कर देना, मैं एक क्विज़वॉर कराऊंगा इसी क्लास के जस्ट 5 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट का क्विज़वॉर होगा, उसमें सभी बच्चे देखना, कंपटीशन अपना अपनी रैंक देख लेना, उसके जस्ट बाद 9:30 बजे लाइव टेस्ट है। 9:30 बजे वाला लाइव टेस्ट तो किसी को मिस करना नहीं है, आज होगा 9:30 बजे वाला लाइव टेस्ट, मैंने कल कहा था नहीं होगा लेकिन मैंने कराना है आज 9:30 बजे लाइव टेस्ट, जरूर देखिएगा यूट्यूब पे, आज सर्च कर लीजिएगा जीके विद अमन सर, 9:30 बजे लाइव टेस्ट के लिए जरूर है और टाइम पे आएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर किसके द्वारा, आंसर क्या बच्चे इसका, न्यूक्लियर रिएक्टर किसके द्वारा इन्वेंट किया गया आंसर। ठीक है, एनरिको फर्मी। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फॉर अ कॉमन मैन सिटोडल प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज व्हाट, जल्दी से बताएगा, आम इंसान के लिए सिटोडल प्रेशर क्या हो सकता है इन चारों में से, बेसिक क्वेश्चन है 10th क्लास का, जल्दी से बताएं, बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। ठीक है, आंसर क्या है इसका, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इसका आंसर है। ठीक है, दिमाग रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोस्पर्मिक सीड, इसमें से कौन सा एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर है, कमेंट करिएगा। आसान क्वेश्चन है, ग्राम इसका आंसर है, चना। एक और क्वेश्चन देखिए, कैरालाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कौन से मेटल, कौन से धातु का ओर है, जल्दी से बताएं कैसे बच्चे, ज्वाइन कैसे करना है क्विज वॉर को, मैं आपको अभी समझाऊंगा क्लास के जस्ट एंड में, मैं आपको पहले समझाऊंगा ज्वाइन कैसे करना है, फिर आप सभी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और मैं फिर जब स्टार्ट पे क्लिक करूंगा ना, फिर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको रैंक आपके फोन पे ही दिखाई दे जाएगी। ठीक है, मैं फिर सेशन को एंड कर दूंगा, मैं आपको एक कोड प्रोवाइड करूंगा, उस कोड के बिना क्लास टेस्ट नहीं हो सकता। पोटेशियम इसका आंसर है, लीजिए ये भी एक स्पेशल इंफॉर्मेशन आपके लिए, 30 दिन का फ्री क्रैश कोर्स कंप्लीट स्टैटिक जीके, अन अकेडमी की फ्री लाइव क्लास रात को 11:30 बजे मंडे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दिमाग रखिएगा, कल भी कर सकता हूं, देखिएगा जरूर। ठीक है, दिमाग रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएं, हाउ मेनी लार्जेस्ट हनी में सबसे लार्जर पर्सन एज में क्या होता है, क्या होता है, ग्लूकोज। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कहा था कि मैटर जो है ये कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में, जल्दी से बताएगा, कौन से साइंटिस्ट ने कहा कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, किसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था मैटर किसमें कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। लीजिए एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ भाई, किसी भी लिविंग बीइंग में जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो किसी ऑफस्प्रिंग में, उसके ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, जल्दी से बताएगा, जेनेटिक ट्रांसफर जो होता है कैरेक्टर वो कैसे होता है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे, आंसर क्या है, क्रोमोसोम के थ्रू। बच्चे राइबोसोम भी लगा देते हैं आंसर और गलत हो जाता है, राइबोसोम इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्रोमोसोम है। ठीक है, दिमाग रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक सोप बबल में बहुत प्यारे प्यारे कलर उत्पन्न होते हैं, हमें दिखते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया कलर, सवाल पूछा जा रहा है कौन सी प्रोसेस की वजह से वो बहुत प्यारे प्यारे कलर दिखाई देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस वजह से, दिमाग में रखिएगा आंसर क्या है इसका, इंटरफेरेंस इसका आंसर है। ठीक है, इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, जल्दी से बताएगा, या प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज, जल्दी से बताएगा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करिएगा। जब मैं बॉइलिंग पॉइंट को
ठीक है, मतलब इसमें सवाल पूछा गया जब बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो उस समय क्या होगा, जल्दी से बताएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट आने पे ना टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, दिमाग रखिए, बॉइलिंग पॉइंट आने पे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। रॉयल वाटर किसका मिक्सचर है, जल्दी से बताएं, इजी क्वेश्चन, रॉयल वाटर किसका मिक्सचर है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रॉयल वाटर किसका मिक्सचर है बच्चे, आंसर क्या है इसका, हाइड्रोलिक एसिड और न्यूट्रिक एसिड। मैं आपको अभी भी बता देता हूं एक चीज आपके भले के लिए, ठीक है, मैं सिखाने के बाद टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है, जो भी बच्चा देख रहा है अभी सीख रहे हो ना, 8 बजे आके 9:30 बजे आके टेस्ट जरूर देना, लाइव टेस्ट नहीं दिया तो सीखा बेकार हो जाएगा भाई, सीखते हम टेस्ट देने के लिए, तो टेस्ट जरूर देना 9:30 बजे, कोई मिस मत कर देना आज का लाइव टेस्ट 9:30 बजे का, एग्जैक्ट टाइम पे 9:30 बजे लाइव टेस्ट करेंगे। हाँ भाई, सोयल बैक्टीरिया विच फिक्स द नाइट्रोजन, आंसर क्या है, एजोटोबैक्टर इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, आसान है ये क्वेश्चन, क्या है, इन हैबर्स प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ NS3 के सिंथेसिस के लिए जो हैबर्स प्रोसेस होती है उसमें क्या कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, क्या प्रोमोटर की तरह यूज होता है, जल्दी से बताइएगा, कैटलिस्ट और प्रोमोटर की तरह क्या क्या यूज होता है, क्या है क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर, आंसर क्या बच्चे, ठीक है, Fe और MO, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, Fe कैटलिस्ट और MO प्रोमोटर की तरह। डैश इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, प्लांट का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है बच्चे, जो भौतिक रूप है और बाहरी संरचना जो होती है उसका अध्ययन करने के लिए हम कौन सा सब्जेक्ट फाइटोमॉर्फोलॉजी यूज करते हैं, एक और क्वेश्चन देखिएगा, प्लांट हार्मोन का एग्जांपल, तीनों के तीनों एग्जांपल है, प्लांट हार्मोन ये तीनों के तीनों, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, प्लांट हार्मोन ये तीनों के तीनों। एक और क्वेश्चन देखिएगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट, कितना होता है, मतलब मैं हाइड्रोजन को हीलियम से कंपेयर कर रहा हूं तो मैं क्या आंसर लिख दूं, बताओ, हाइड्रोजन को हीलियम से कंपेयर करने में क्या आंसर लिख दूं, जल्दी से बताएं। देखिए हमेशा 1.4 टाइम्स दैट ऑफ हीलियम होता है, ठीक है, दिमाग रखिए। एक और क्वेश्चन देखिए, जल्दी से कमेंट करें, 43 क्वेश्चन का आंसर क्या है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 का, इन द मिरर द बैक सरफेस किससे पेंट किया जाता है, सिल्वर से पेंट किया जाता है, ठीक है, मिरर में जो पीछे का सरफेस होता है ना वो किससे, सिल्वर से पेंट किया जाता है, इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ भाई, ये जो नेपाली सेट 1 सैटेलाइट है, नेपाल की ये पहली सैटेलाइट है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि नेपाल ने ये सैटेलाइट कहां से लॉन्च करी थी, दिमाग को रखिएगा, ये सैटेलाइट नेपाल ने यूएसए से लॉन्च करी थी, ठीक है, दिमाग रखिएगा, कहां से लॉन्च करी थी, यूएसए से लॉन्च करी थी। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर इजी क्वेश्चन है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा। आंसर क्या है इसका, अगर अपवर्ड फोर्स किसी भी फ्लोटिंग, जैसे मान लो पानी के ऊपर कोई कागज तैर रहा है तो वो एक फ्लोटिंग बॉडी है और उस पर जो फोर्स लग रही है ना उसे हम क्या कहते हैं, बॉयंस कहते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमनली सोडियम किसमें रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, सोडियम को किसमें रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे जिससे हम ये क्लास खत्म कर सकें, एक किजोर कर सके और उसके बाद बेहतरीन लाइव टेस्ट कर सके, ठीक है, दिमाग रखे। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इसका आंसर है। व्हाट आर द मेल गैमेट्स कॉल्ड, मेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लूरा जो होता है किसमें होता है, नया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएगा, हमारे शरीर के कौन से अंग में प्लूरा होता है, जल्दी से बताएं, हमारे शरीर के कौन से अंग में प्लूरा होता है, जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे, प्लूरा हमारे शरीर के कौन से अंग में होता है, लंग्स में होता है, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, लंग्स में होता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये अपने कोर्सेज है, रेलवे में भी कंप्लीट साइंस लेके आ रहा हूं, रेफर कोड लाइव अमन, ठीक है, और डिफेंस में भी लेके आ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ, एक आइडियल गैस कौन सा लो ओबे करती है, जल्दी से बताएगा, एक आइडियल गैस कौन सा लो ओबे करती है, दिमाग में रखिएगा, आइडियल गैस गैस लो ओबे करती है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ प्लांट क्लोरोफिल ऑफ लीव गेट डिस्ट्रॉयड, जल्दी से बताएगा, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी डिसीज में जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, प्लांट का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, आंसर क्या है, मोसाइक डिसीज ऑफ टोबैको, मोसाइक डिसीज ऑफ टोबैको इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेम द प्लांट हॉर्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट रिपाइनिंग, आसान है, इथाइलिन गैस फॉर्म में होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, दिमाग करें, ये रिस्पॉन्सिबल है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम पूरी दुनिया का कौन सा बच्चे, ओशियन है, अब ओशियन महासागर दे रखा है इसमें, तो आंसर इसका ये हो, क्वेश्चन को सोल्व करना सीखो, जैसे आप इधर फ्लो में चीजों को सीख रहे हो ना,
अब बस इसी नॉलेज को यूज करना 9:30 बजे, ठीक है, इसी नॉलेज को यूज करना 9:30 बजे। आज ही आप इस चीज को जान जाओ कि आप सीख के कितना टेस्ट कर पा रहे हो अपने आप को, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई लेके आ रहा हूँ, आपके लिए एक क्विज बोर भी कराऊंगा, उस क्विज बोर को भी देखना, रैंक देखना अपनी कहाँ पे आ रहे हो, ठीक है। कंपटीशन जैसे इधर 1200 बच्चे देख रहे हैं, 1200 बच्चे जब कम्पीट करेंगे उनकी रैंक आएगी, आप फर्स्ट नंबर पे आ रहे हो उन 1200 में, अलग ही फील आएगी, सिलेक्शन के तो नजदीक पहुंच ही जाओगे। अब प्योर सब्सटेंस कैन ओनली भी क्या हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगा क्विज कैसे देना है, आप बस स्क्रीन पे देखिएगा समझेगा, और आज ही इसी क्लास में ही ये क्यूज देना, मैं क्लास को एंड नहीं करूंगा जब तक आप क्यूज खत्म नहीं करोगे, ठीक है, दिमाग रखिएगा। पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिग्नुमिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, कौन सी गैस है जो रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर दोनों में यूज होती है, जल्दी से बताइएगा कौन सी गैस है, आंसर क्या बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, दिमाग रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। हाँ भाई, इसमें से कौन सा कंपाउंड का कैरेक्टर नहीं है, इसमें से कौन सा कंपाउंड का कैरेक्टर नहीं है, जल्दी से बताएं कौन सा कंपाउंड का कैरेक्टर नहीं है। कंपोजिशन देखो, इसमें लिखा है नहीं है, नोट लिखा, और इसमें लिखा है कंपोजिशन आर वेरिएबल। भाई कब कंपोजिशन वेरिएबल हुआ, H2O तो भाई हमेशा H2O ही रहता, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, कंपोजिशन इज नॉट वेरिएबल, ठीक है, दिमाग रखिएगा, कंपोजिशन इज नॉट वेरिएबल। Which of the following is not a secondary pollutant? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएगा कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है, आंसर क्या है बच्चे इसका, ओजोन। और याद रखो ये क्लास रोज 8 बजे होती है, अगर आप साइंस ही पढ़ना चाहते हो ना, रोज 100 क्वेश्चन मिलते हैं, स्पेशल कभी भी नहीं पढ़ाता मैं कुछ भी, मेरी कोई क्लास स्पेशल नहीं है, मैं रेगुलर कंसिस्टेंसी रखता हूँ इस चीजों को लेके, मेरी रोज 8 बजे क्लास होती है, कल भी होगी 8 बजे, कल तो मैं 300 क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है, कल रात को 8 बजे भी क्लास होगी जीके विदमन सर, कोई स्पेशल क्लास नहीं है, ये रोज की क्लास है मेरी, रोज 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, दिमाग पर रखिए, रोज की क्लास है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोड आर जनरली यूज, डायोड्स जो होते हैं किसके लिए यूज होते हैं, कमेंट करें, डायोड्स किसके लिए यूज होते हैं, रेक्टिफिकेशन, ठीक है, रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, वर्ड देखा हमने एनोडाइजिंग, जब मैं इधर एनोडाइजिंग वर्ड देखूंगा आंसर एल्यूमिनियम आएगा, अगर इधर गैल्वनाइजेशन वर्ड होता ना प्यारे, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आंसर जिंक हो जाता, ठीक है, दिमाग पर रखिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ भाई ये डिफेंस का कोर्स देख लीजिएगा, आपको मैं पूरी डिटेल देता रहता हूँ कोर्स की, आपकी इच्छा है, ठीक है, हम पढ़ाएंगे आपको, आपकी इच्छा है किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, हो गया, वाटर में एसिड डालेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नेम द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड बैक टू द अर्थ, जल्दी से बताएगा कौन सा ब्लड वेसल है जो ब्लड को, ठीक है, दोबारा हार्ट में, यानी कि बॉडी में से ब्लड हार्ट में जा रहा है, तो ये क्या होगा मुझे बताएं, वेन होगा या आर्टरी होगा, जल्दी से बताएं, बॉडी से हार्ट की तरफ वेन होगा या आर्टरी होगा, कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बच्चे, आसान क्वेश्चन है, हमेशा ये वेन होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, EEG किससे रिलेटेड है, जल्दी से बताएगा EEG किससे रिलेटेड है, भाई सेशन को लाइक भी करिएगा सभी के सभी, A to Z बालक, ठीक है, आंसर क्या है, ईजी किससे रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड है। अभी कोई बिना क्यूज दिए चला गया यहां से, ठीक है, क्लास तब तक खत्म नहीं करो जब तक क्यूज नहीं हो जाएगा, और कोई लाइव टेस्ट में ना पहुंचा आप में से, तो भैया मैं सभी को जानता हूं, जितने बालक इधर आंसर दे रहे हैं ना कहीं तो जानता ही हूं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो खींचूंगा मैं आपकी रेल, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स है, आंसर सेलवोल रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट मत रखिएगा, इसमें दिखाएगा क्लोरोप्लास्ट लेकिन आंसर क्लोरोप्लास्ट नहीं, सेलवोल रखना है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड ब्लैक दिखाई देता है, इसका कारण क्या बच्चे, जल्दी से बताएं, ब्लैक बोर्ड ब्लैक दिखाई देता, काला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है भाई, क्योंकि यार कुछ अगर मैं कुछ एब्जॉर्व कर लूंगा, ठीक है, तो भाई इसके मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करना, एब्जॉर्व करना ही तो हुआ, ठीक है, डज नॉट रिफ्लेक्ट करना मतलब एब्जॉर्व करना ही तो हुआ, था वही चीज इसमें लिखी हुई है, ब्लैक कलर पूरा एब्जॉर्व करता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया आसान है, ठीक है, NH3 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कॉमनली सोडियम किस में रखा जाता है, मैंने अभी बताया केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करेगा। वॉटर इज नॉट वेपराइज, किस कंडीशन में पानी वेपराइज नहीं होगा, जल्दी से बताएगा किस कंडीशन में पानी वेपराइज नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी कंडीशन में पानी वेपराइज नहीं होगा, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैंने इसमें बीकर में पानी रखा हुआ है और भाई इधर मेरे पास जगह ही नहीं है जाने के लिए, कहने का मतलब 100% ह्यूमिडिटी है तो वेपराइज होगा,
नहीं होगा यार, 100% ह्यूमिडिटी है, जगह ही नहीं है कहीं पे जाने की, मैं कहाँ से वेपराइज होऊंगा, मेरा गेट ही बंद कर दिया कमरे का तो मैं कहाँ से बाहर निकलूंगा, नहीं निकल पाऊंगा ना। सेम वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, अभी जो लाइव टेस्ट होगा ना उसमें ना ऐसे क्वेश्चन और आपका आंसर, ऐसे क्वेश्चन आपका आंसर सबसे स्पीड में यूट्यूब पे देंगे इस टेस्ट को, डेली देते हैं 9:30 बजे, तो आज भी देंगे, तो भाई स्पीड में आंसर दीजिएगा, सोचना है थोड़ा सा बस, ठीक है। अनोस्मिया इसका आंसर क्या है, सेंस, ठीक है, हमारी जो सेंस होती है ना स्मेल करने की जो सेंस होती है वो खत्म हो जाती है इसमें, ठीक है, दिमाग रखे हैं, अनोस्मिया में हमारी जो स्मेल करने की जो सेंस होती है ना वो खत्म हो जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन आंसर के, हाँ भाई जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को ना, मैं आपको अभी एक मैं क्लास कराने वाला हूं उसमें कराता हूं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद डायग्राम, वो डायग्राम के साथ ही कराऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सी इमेज बनती है, कमेंट करेगा सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सी इमेज बनती है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाँ भाई आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, सिंपल माइक्रोस्कोप में वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज बनती है, कौन सी, वर्चुअल मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, ठीक है, क्यूज जरूर होगा, अभी क्यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्यूज 10 मिनट का है, कुछ नहीं है। देखो ऐसा होता ना, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जिम में जाते हैं ना इंसान, जिम में जाता है ना पूरी एक्सरसाइज करने के बाद ना एक चीज जरूर करता है, उसे हम कहते हैं वार्म अप, और वही बता देता है कितनी करने वाला है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। वैसा ही क्यूज है, डेली हर क्लास के बाद 10 मिनट का क्यूज होगा, जिसका कोड मैं आपको दूंगा, और आप जब ये 10 मिनट का क्यूज दे दोगे ना 20 क्वेश्चन का, उसके बाद ना आपकी रैंक आ जाएगी, आपकी स्क्रीन पे आपकी रैंक आ जाएगी, 1200 बच्चों में से आप कौन सी रैंक पे होते हो, रोज आप उस रैंक को देखोगे ना आपको लगेगा अबे यार मैं 1300 रैंक पे हूं, और एक बच्चा पहले रैंक पे, उसका सिलेक्शन नहीं होगा क्या, आपको 1300 से एक पे आना है, इसलिए क्यूज इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट का क्यूज होगा छोटा सा मेरे ही सामने स्क्रीन पे, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक्सपोजर टू विच लाइट में एक्सेलरेट द एजिंग, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या, आंसर है बच्चे नीली लाइट पढ़ने पर, ठीक है, दिमाग रखिएगा, नीली लाइट पढ़ने पे ज्यादा हम बूढ़े हो सकते हैं, बच के रहो भाई नीली लाइट से। लाइव टेस्ट करेंगे अभी आज 9:30 बजे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। ये रेलवे मत देखना, फॉर ऑल एग्जाम सभी बच्चे देखेंगे, इट्स नॉट जस्ट रेलवे, जब टेस्ट हो रहा है तो यार सारे दो ना, जीके का टेस्ट हो रहा है 9:30 बजे टेस्ट होगा अभी, ठीक है, दिमाग रखिए। यूट्यूब पे सर्च करिएगा जीके विद अमन सर, 9:30 बजे ये टेस्ट जरूर दीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, एजी टेंसली के द्वारा दिया गया। ऑप्टिकल फाइबर का क्या पर्पस है, कमेंट करिएगा ऑप्टिकल फाइबर का क्या पर्पस है, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का क्या पर्पस है, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर बताएं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। आपने सुना होगा इंटरनेट के लिए यूज होता है, ठीक है, जो हमें अंडमान निकोबार में BSNL अपना कैनी प्रोजेक्ट कर रहा है वो भी ऑप्टिकल फाइबर पे, समुद्र के अंदर से ऑप्टिकल फाइबर, जियो ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, तो वो क्या है बच्चे, दिमाग रखिएगा, ट्रांसमिट करता है लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, दिमाग रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर का क्या पर्पस होता है, इट ट्रांसमिट द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन आंसर क्या है, हाँ भाई विच प्लांट जॉर्ज मेंडल यूज फॉर इस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जॉर्ज मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट यूज किया था, कमेंट करेगा कौन सा प्लांट यूज किया था, आसान है क्वेश्चन, आंसर क्या है, ठीक है, मटर का पौधा यूज किया था, कौन सा, मटर का पौधा यूज किया था जॉर्ज मेंडल ने। एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन आंसर क्या है, यार एक अगर मैं बोलूँ ना कि भाई सबसे प्योर गोल्ड कौन सा होगा, बिल्कुल वो होगा ना जिसमें 24 कैरेट होगा, जिसमें क्या होगा 24 कैरेट होगा, वो प्योर गोल्ड होगा, ठीक है, दिमाग रखिए वो क्या होगा, प्योर गोल्ड होगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, जल्दी से बताएगा, ठीक है, एलिमेंट की साइकिलिंग, कहने का मतलब एलिमेंट पहले एक चीज फिर दूसरे में कन्वर्ट फिर तीसरे में कन्वर्ट फिर चौथे में कन्वर्ट, अब इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं प्यारे, इस पूरी प्रोसेस को हम बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं, इसे हम पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, वॉशिंग सोडा चूज कौन सा फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आज मैं आप सभी से ये चीज कंफर्म करा लूंगा कि मेरी ये जो दो फिक्स क्लासेस मैंने रखी है ना 8 बजे डेली होती है, कल भी 300 क्वेश्चन होंगे, कल रात को भी 8 बजे फिक्स क्लासेस है, स्पेशल कुछ भी नहीं है, मैं अपनी जो फिक्स क्लासेस होते हैं ना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ स्पेशल क्लासेस से, क्योंकि मुझे पता है कंटिन्यूटी करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है, करोगे काम डेली डेली तभी होगा काम पूरा, ठीक है, दिमाग पर रखेगा, नहीं तो एक दिन का जोश तो भैया चाहे 4 घंटे लगा लो, ठीक है,
Na2CO3.10H2 इसका आंसर है, ठीक है, दिमाग पर रखेगा। हाँ जी बताएं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो पानी होता है उसमें कितना ऑप्टिमम ऑक्सीजन होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, कमेंट करिएगा कितना ऑक्सीजन होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर क्या बच्चे 4 से 6 ठीक है मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ठीक है दिमाग रखिए 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। लेंस किसका बनता है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा लेंस किसका बनता है, ठीक है जल्दी से बताएं लेंस किसका बनता है, आंसर क्या बच्चे फ्लिंट ग्लास का बनता है, किसका बनता है फ्लिंट ग्लास का बनता है, ठीक है दिमाग रखिए फ्लिंट ग्लास का बनता है। एक और क्वेश्चन देखो, साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन द ऑडिबल साउंड, ठीक है साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन द ऑडिबल साउंड उसे हम क्या कहते हैं बच्चे जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसे क्या कहा जाता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएं, क्या कहा जाता है उसे, ठीक है आंसर क्या है, इसे इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएं, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, नेम ऑफ डिसीज ऑफ प्लांट इन विच लीव ब्रांच सून्स ऑल आर इफेक्टेड, सब पे इंपैक्ट पड़ता है, सिट्रस कैंकर जो डिसीज है इसमें सब पे इंपैक्ट पड़ता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डस दिस मेजर, ये किसको मेजर करता है जल्दी से बताएगा, आपने ये वर्ड सुना होगा साइंस की क्लास में 10th class NCERT कभी सुना हो इस वर्ड को, जल्दी से बताएगा, ठीक है जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चले मैंने आपका क्विज क्रिएट कर दिया है, मैंने आपका क्विज क्रिएट कर दिया है, इसी क्लास में 10 मिनट का क्विज भी होगा, प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, सारे उस क्विज पे जाइएगा और क्विज जरूर दीजिएगा। आंसर क्या है, व्हाट डस, सारे कंप्लीट क्विज दीजिएगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा क्विज, रैंक भी आपको 10 मिनट में मिल जाएगी। ब्लड प्रेशर इसका आंसर है, बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें से कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन और क्लोरीन, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रोटीन का डाइजेशन किसमें स्टार्ट होता है, कमेंट करिएगा प्रोटीन का डाइजेशन किसमें स्टार्ट होता है। देखो अनअकैडमी पे होगा, आप मैं आपको जब ही स्क्रीन पे आएगा ना आपको कोड प्रोवाइड करूंगा, आपको ज्यादा सीधा डायरेक्टली उस क्लास में जाना है, ठीक है दिमाग रखिए, स्टमक इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बायोलॉजी में एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं, कमेंट करेगा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं, आंसर क्या बच्चे, ठीक है एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट को कहते हैं, किसे कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट को कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या बताए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत स्टेटमेंट कौन सी, आंसर क्या है, देखो यार इसमें ना एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि भैया ऑक्सीजन जो ना एलोंगेशन पे प्रोड्यूस होते हैं, क्या ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, एलोंगेशन पे कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता ऑक्सीजन, ठीक है दिमाग रखिएगा, ऑक्सीजन एलोंगेशन पे कभी प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है दिमाग पर रखिएगा। हाँ भाई इको के लिए अगर आवाज गुंजानी है मतलब इको प्रोड्यूस हो तो उसके लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एटलीस्ट कितना डिस्टेंस होना चाहिए, एटलीस्ट कितना डिस्टेंस होना चाहिए, याद रखना ये डेली का करो, मेयर से कल भी 8 बजे जुड़ना, उसके बाद एक क्विज वॉर करेंगे, सभी की रैंक दिखाई देगी 10 मिनट का क्विज वॉर, और उसके बाद लाइव टेस्ट, सेम वही प्रोसीजर आज करेंगे, 8 बजे स्टार्ट करी मैंने क्लास, 10 मिनट का क्विज दूंगा क्लास में ही, इसी यूट्यूब पे आपको बताऊंगा कैसे ज्वाइन करना है, उसके बाद 9:30 बजे का लाइव टेस्ट, ये तीन चीज एक हफ्ता करके देख लो, आपकी इंप्रूवमेंट होगी सबसे ज्यादा, ठीक है दिमाग रखे, अश्योरिटी देता हूं इंप्रूवमेंट होगी अश्योरिटी। आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चे इसका 17। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करेगा, वुमेन हैव श्रिल वॉइस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से, एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए ये क्वेश्चन नहीं करना, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, व्हाट इज डेसिबल, डेसिबल क्या होता है, आंसर क्या है बच्चे, डेसिबल क्या है, स्केल ऑफ साउंड लेवल है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, स्केल ऑफ साउंड लेवल। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, कमेंट करिएगा एलिसा टेस्ट किसके लिए, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एलिसा टेस्ट किसके लिए जल्दी से बताएगा, एलिसा टेस्ट किसके लिए, आंसर क्या है, इसके लिए एड्स के लिए होता है, बता रखा है पहले भी मैंने एक बारी, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, एड्स के लिए होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैडमियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या बच्चे, CdNO3 होल ट्वाइस, क्या CdNO3 होल ट्वाइस जो है कैडमियम
नाइट्रेट का क्या है फॉर्मूला है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग इज यूज एज एन एंटी डिप्रेसेंट। हाँ भाई, एंटी डिप्रेसेंट नहीं चाहिए, ये ड्रग नहीं लेना, ठीक है, हम कर लेंगे क्रैक पेपर को, ठीक है। बिप्रोपियन इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, लाइव टेस्ट होगा अभी 9:30 बजे, भूलना मत, कोई भी क्लास लो, मैं अभी आपको देखना चाहूंगा आधे घंटे बाद लाइव टेस्ट में, ठीक है। ये स्क्रीन पे थंबनेल है, स्टूडियो पे ये लाइव टेस्ट होगा, आपको कहीं से भी लिंक मिले, मैंने पहले भी लिंक दिया होता है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। अभी आप यूट्यूब पे सर्च भी कर लेना जीके विद अमन सर 9:30 बजे, लाइव टेस्ट मिस मत कर देना, कोई सा भी आपके लिए स्पेशल लगवाता हूँ, ठीक है, दिमाग रखें। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट टू रिजर्व द गवर्नमेंट ऑफ HIV पॉजिटिव कैंडिडेट। कौन से सरकार, केरला सरकार क्या है HIV पॉजिटिव कैंडिडेट के लिए ये लेके आ रही है। रिएक्शन इन विच हीट एंड प्रोडक्ट आर रिलीज, जल्दी से बताइए कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या बच्चे, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं अब आपको समझा दूं क्यूज कैसे देना है, सारे दोगे क्यूज, एक बार ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सारे क्यूज दोगे, अपनी रैंक देखना चाहते हो ऑल इंडिया लेवल पे, 1500 बच्चों में देखना चाहते हो आप कौन से नंबर पे हो, एक हो, दो हो, तीन हो। मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्लास को मैं एंड नहीं करूंगा, सारे टेस्ट देंगे, उसके बाद आप फ्री हो, फिर मैं क्लास एंड करूंगा, फिर आधे घंटे बाद लाइव टेस्ट देंगे, और लाइव टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, और ये क्यूज देना जरूरी है 10 मिनट का, कॉम्पिटिशन पता चलता है इससे, ठीक है, दिमाग रखे, बहुत ईजी प्रोसेस है, मैं बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन होने दो, ठीक है, समझिएगा। लाइव टेस्ट सारे ज्वाइन करेगा, जब आप ज्वाइन कर लोगे मैं स्टार्ट क्यूज पे बटन दबा दूंगा, फिर आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। मेरे स्टार्ट क्यूज पे बटन दबाते ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 10 मिनट का टेस्ट होगा, वो देके आप अपना रेस्ट करिए, खाना वाना डिनर विनर सब करिए, उसके बाद आधे घंटे मिलते हैं लाइव टेस्ट में 9:30 बजे, और ये डेली का प्रोसीजर रख लो, ठीक है, डेली का रख लो। ये क्वेश्चन बता दो, हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड विल नॉट गिव द सूटी फ्लेम, कौन सा कार्बन कंपाउंड सूटी फ्लेम नहीं देगा, आंसर क्या बच्चे, आंसर क्या इसका, हेक्सेन इसका आंसर। देखो कैसे जॉइन करना है, आप अभी अभी जस्ट अभी अनअकैडमी ऐप ओपन करो, उसमें अनअकैडमी ऐप पे ये जो मेन टैब है ना, मेन टैब पे क्लिक करके ना प्लस पे क्लिक करना, फ्री है ये क्यूज, डेली का है, ठीक है, फ्री है। मैं अभी कोड लिख रहा हूं इसके ऊपर, कोड लिख रहा हूं इसके ऊपर, बस आप एक बार ही समझ लो कैसे ज्वाइन करना है। अनअकैडमी ऐप ओपन करो, ठीक है, अनअकैडमी ऐप ओपन करने पर ना ये मेन टैब आएगा, इस मेन टैब पे जब क्लिक करोगे ना प्लस का ऑप्शन मिलेगा, प्लस पे क्लिक कर लेना, या तो आपने कर रखा होगा तो इसमें ना इधर ये ऑप्शन आएगा टेस्ट का, ठीक है, ये टेस्ट का ऑप्शन आएगा। जब आप इस टेस्ट पे क्लिक करते हो ना, जब आप इस टेस्ट पे क्लिक करोगे, मेन टैब क्लिक किया, टेस्ट का ऑप्शन आया, टेस्ट पे क्लिक किया है, ज्वाइन किसका ऑप्शन आया, जब आप इस ज्वाइन किसका ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, आपको कोड मिलेगा, जो मैं आपको कोड आपके सामने लिख रहा हूं, कोड भरना है, बिना कोड के काम नहीं होगा, ठीक है, कोड फिल करना है, ठीक है, कोड लिख रहा हूं आप सभी के सामने, कोड देखो और टेस्ट दो सारे के सारे, A to Z बच्चा टेस्ट दो, लीजिए टेस्ट लीजिएगा, ठीक है। सारे अनअकैडमी ऐप ओपन करो, मेन टैब ओपन करो, टेस्ट पे क्लिक करो, ज्वाइन किस पे क्लिक करो, और जो मैं कोड बता रहा हूं वो फिल करो, आपके ज्वाइन करते मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, दिमाग रखिएगा। लीजिए कोड है 9753 96, ठीक है, दिमाग करके ये कोड है, जल्दी से जुड़ जाओ सारे के सारे, और इसके बाद लाइव टेस्ट में आ जाना। ये क्यूज 10 मिनट का है, ये 10 मिनट क्यूज दे लो, अपनी रैंक देख लो, सारे के सारे जितने बच्चे देख रहे हैं रैंक देख लेना, रैंक देखने के बाद अपना क्यूज लाइव टेस्ट में आ जाना 9:30 बजे, ठीक है, दिमाग करके कोड ये आपके सामने 9753 96। करना कैसे ज्वाइन, मेन टैब पे क्लिक करो, टेस्ट पे क्लिक करो, टेस्ट पे क्लिक करते ही ज्वाइन किसका ऑप्शन आएगा, ज्वाइन किस पे क्लिक करते ही ये अपना कोड आएगा, ठीक है, दिमाग रखेगा, दिमाग रखे कोड आएगा। भाई अमन शर्मा, कोई भी रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होती, मेरा नाम भी अमन है, ऐसे बेइज्जती मत करो, ठीक है, जल्दी ज्वाइन करो सारे के सारे, सभी के सभी। अनअकैडमी ऐप ओपन करो सारे के सारे, अनअकैडमी ऐप ओपन करो एक बारी जल्दी से, ठीक है। ये जब आप 10 मिनट ये दे दोगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कितना कॉम्पिटिशन मिल रहा है और आपको कितना करने की जरूरत है। सारे अनअकैडमी ऐप ओपन करो, मेन टैब पे जाओ, टेस्ट पे क्लिक करो, ज्वाइन क्यूज पे क्लिक करो, वहां पे कोड आईडी मांगेगा, इस कोड आईडी को लगाओ, आपके ज्वाइन करते ही मैं क्लिक कर दूंगा ज्वाइन स्टार्ट पे, ठीक है, जल्दी से क्लिक करिएगा। उसके बाद मिलते हैं लाइव टेस्ट में, उसके बाद मिलते हैं, जल्दी से पहुंचेगा, सभी पहुंच जाओ जल्दी से, और टेस्ट जरूर देना भाई, कंप्लीट टेस्ट चाहिए मुझे सभी का, सभी देंगे कंप्लीट टेस्ट, जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है। रिपीट कर देता हूं, अनअकैडमी ऐप ओपन करो, मेन टैब पे क्लिक करो, फिर टेस्ट पे क्लिक करो, फिर ज्वाइन किस पे क्लिक करो, और ये आईडी मांगेगा एक टेस्ट के लिए, वो आईडी है 5975396, जल्दी से जुड़ जाओ सारे के सारे।
और आज ही देख लो 10 मिनट में कितने कंपटीशन में हो आप सभी, देख लो। अन अकेडमी पे टेस्ट है, जल्दी से पहुंचो। अन अकेडमी पे फ्री टेस्ट है, सारे दे सकते हैं इस टेस्ट को, जल्दी से पहुंच जाओ सारे के सारे। फिर लाइव टेस्ट करेंगे, ठीक है, फिर लाइव टेस्ट करेंगे, फिर लाइव टेस्ट करेंगे 9:30 बजे, जल्दी से पहुंच जाओ। बढ़िया, बेहतरीन, सारे पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचो। डेली क्यूज वॉर होगी, आप डेली का फिक्स कर दिया है मैंने, ठीक है, दिमाग करके, आप डेली का फिक्स कर दिया मैंने, ठीक है, डेली का फिक्स कर दिया, जल्दी से पहुंच जाओ सारे के सारे, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, किसको, आपको बस कोड डालना है, ठीक है, आपको बस कोड डालना है, मैं किसको स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से कोड डाल रहा हूं मैं। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब किसको, जल्दी से 10 मिनट का क्यूज दो, कंपटीशन होगा, कंपटीशन के बाद आपको आपकी रैंक पता चलेगी, 10 मिनट में टेस्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद लाइव टेस्ट में मिलते हैं। आई एम एंडिंग द क्लास हेयर राइट नाउ, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मेन टैब पे क्लिक करना है, टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन क्विज पे क्लिक करना है। मेरी तरफ से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मेरी तरफ से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। मैं टेस्ट को स्टार्ट कर चुका हूँ, जल्दी से कोड डाल देना, आईडी डालनी है ये वाली आपको, ठीक है। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, ये आईडी डालनी है आपको पहुंच के, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। टेस्ट स्टार्ट हो गया, टेस्ट हो गया स्टार्ट, भाई सारे के सारे करो टेस्ट का आंसर, दो क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, बढ़िया तरीके से, ठीक है, सभी पहुंच जाओ। जो अभी तक नहीं पहुंचा ना, वो देखो कैसे ज्वाइन करना है, मेन टैब पे क्लिक करो, अन अकेडमी ऐप ओपन करके, कौन सी ऐप ओपन करनी है, अन अकेडमी ऐप ओपन करनी है, मेन टैब पे क्लिक करना है, टेस्ट पे क्लिक करना है, ज्वाइन किस पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आईडी फिल करनी है, ये आईडी है 975396, फ्री टेस्ट है, ठीक है, दिमाग रखिएगा, फ्री टेस्ट है, ठीक है, दिमाग रखिएगा। बाकी जो नहीं ज्वाइन कर पा रहा वो लाइव टेस्ट में आओ 9:30 बजे, लाइव टेस्ट में भी दोबारा करेंगे इस चीज को एक बारी, ठीक है, ट्राई कर लेंगे, एक दो दिन में पता चल जाएगा सारा फंडा, और फिर मजा भी आ जाएगा टेस्ट देने का, ठीक है, ओके। मैं अभी सेशन को एंड कर रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं सेशन को एंड कर रहा हूं, बच्चे गोल एसएससी सिलेक्ट कर लो, चाहे गोल एसएससी सिलेक्ट कर लो, मैं सारे टेस्ट आपके एसएससी के थ्रू लेके आऊंगा, तो आप गोल एसएससी सिलेक्ट कर लो, रेलवे वाले बच्चे भी, सीडीएस वाले बच्चे भी गोल एसएससी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, दिमाग रखे, गोल एसएससी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अभी मिलते हैं लाइव टेस्ट में, ओके बाय, ठीक है, अभी मिलते हैं लाइव टेस्ट में, ठीक है, गोल एसएससी सिलेक्ट कर लो। चलो जितने बच्चे देख रहे हैं, बाकी पहली बात तो ये है, बाकी थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए। मेरे प्रोफाइल पे ना मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल है, उन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, लाइव अमन रेफर कोड यूज करके, मेन टैब है, इस पर क्लिक करें, गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करके, मंथ सेलेक्ट करके लाइव अमन रेफर कोड यूज करें, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं सेशन को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू जुड़ने के लिए, ठीक है, ओके बाय, सभी को मिलते हैं लाइव टेस्ट में।